नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन वर्क शेयर करूंगा कि मैं अपने गार्डन में मॉर्निंग टाइम में क्या करता हूं और उस क्यों करता हूं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन को शेयर करूँगा। बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके अपने गार्डन के लिए। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ 5 टॉपिक्स में बात करूँगा कि मैं डेली मॉर्निंग में आके अपने गार्डन में क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है कि मैं मॉर्निंग में, आप भी अपने गार्डन में जब जाते होंगे तो आप अपने गमलों में देखते होंगे कुछ खरपतवार निकल आते हैं। जैसे ये देखिए, मेरा ये एप्पल बेर का पौधा है, तो खरपतवार उसमें मिट्टी में निकल आते हैं। तो आपको इसकी निराई कर देनी है, क्योंकि ये जो आपकी मिट्टी के पोषक तत्व हैं, वो उनको ये खींच लेते हैं और आपके जो पौधा आप लगा रखे हो उसमें फिर पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो आपको सबसे पहला काम है कि जो जो भी कुछ एक्स्ट्रा खरपतवार आ रहे हों उसमें, उन्हें आप साफ़ कर दीजिए। इसको साफ़ करने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी चेक कर लेनी है कि आपकी मिट्टी ड्राई तो नहीं हो गई है। अगर आपकी मिट्टी ड्राई हो गई हो तो उसमें वाटरिंग कर दीजिए, अन्यथा अगर ड्राई ना हुई हो, अभी उसमें नमी है, तो आप वाटरिंग ना कीजिए। तो दूसरा काम आपको मिट्टी चेक करनी है अपने सभी पॉट्स की कि क्या पानी की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता हो तो वाटरिंग ज़रूर करें। फिर दोस्तों, जो तीसरी चीज़ होती है कि आपको देखना होता है कि जो सूखे पत्ते पीले पड़ रहे होते हैं या आपके जो फ्लावर्स सूख चुके होते हैं, पत्ते ख़राब हो रहे होते हैं, तो आपको उन पत्तों को अपने पौधे से रिमूव करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे इस बैंगन के पौधे में ये पत्ते नीचे से ड्राई हो रहे हैं, तो आपको इनकी केयर करनी है कि जो पत्ते आपके ड्राई हो रहे हैं या सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो उनको आप अपनी पौधों से रिमूव कर दीजिए। देखते रहिए, जैसे ये पत्ते हैं, देखिए ये जो पीले पड़ रहे हैं, ये ख़राब हो रहे हैं, इनकी वजह से तो पौधों में बीमारी आने की चांसेज होती हैं। तो आपको इनको पौधों से हटाना है, मतलब पौधों की साफ़ सफाई बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरा काम आपको ये करना है कि जो भी पौधे आपके गार्डन में लग रहे हों, उनकी आप अच्छे से देखिए और ज़रूरत पड़ दी, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से उनके ख़राब हो रहे पत्तों को आप उनके रिमूव कर दीजिए, ताकि मिट्टी से संबंधित कोई बीमारी उन पत्तों की वजह से आपके पौधे पे ना आ पाए। फिर दोस्तों, आपको देखना है कि आपके जो पौधे हैं उन पे कोई फंगस अटैक या कोई वायरस या कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ जो ये पत्ती छेदक कीड़ा है वो लगा हुआ है। तो मैंने इस पे अभी देखिए कुछ राख का स्प्रे किया हुआ है, मैंने अभी मॉर्निंग में ही इस पे राख डाली है। आप चाहें तो इस पे उससे प्रिवेंट करने के लिए राख, नीम ऑयल या फिर कोई भी फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट बनाकर उससे बना हुआ कोई स्प्रे इस पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इनसे निजात मिले। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, डेली आपको ये चेक करते रहना है रूटीन वर्क में कि कोई कीड़ा आपके पौधों पे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। फिर दोस्तों, इन सब के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम मेरी नज़र में है कि आपके पौधे, जैसे ये पत्ते हैं, तो ये धूप में जब आते हैं तो ये धूप पत्तों से जब मिलती, इन पत्तों के से ही धूप आती है और उससे प्रकाश संश्लेषण की विधि से ये अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको अपने पौधों की पत्तियों को साफ रखना है, क्योंकि इस पे डस्ट आती है, पत्ते डस्ट से ख़राब हो जाते हैं। तो आपको उनका ख्याल रखना है कि वो ख़राब ना हो, पत्तों पे लेयर डस्ट की ना जमे, तो उनकी आपको साफ़ सफाई करते रहनी है। और साफ़ सफाई आप कैसे करेंगे, तो आपको पानी से अपने पौधे को नहलाना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ पौधे ऐसे भी हैं
जिन पे मिट्टी की एक लेयर पड़ गई है और कुछ ठंडी का मौसम है तो कोहरा गिरता है उसकी वजह से। ये देखिए, ये मेरा जामुन का पौधा है और इस पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये मिट्टी की एक लेयर बन गई है। तो आपको अपने पौधों में इस तरह से चेक करके जो भी पत्ते गंदे हो रहे हैं तो उनको साफ सफाई रखने से, उनको नहलाने से एक तो पौधे में एनर्जी आ जाती है, पौधा पत्तियां साफ हो जाती हैं तो पौधा हरा भरा रहता है, और धूप से इस प्रकार देखिए आपको पौधे पे पानी से साफ करते रहना है। तो जब पौधे की पत्तियां साफ हो जाएंगी तो अच्छे से धूप को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा तो वो अपना खाना भी अच्छे से बना पाएगा, इससे पौधा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं डेली अपने गार्डन में रूटीन वर्क में करता हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करें और मुझे अपना भरपूर प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।